और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए जाते हैं हजारों, ताकि खूब पैसा बनाया जा सके। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये फ्रीबी 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 रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, अपने मंत्रियों को सुविधाएं देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके बांटते हैं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति है। आज जनता को तय करना है, देश को आज मैं पूछना चाहता हूं, जनता को तय करना है, ईमानदारी की राजनीति चाहिए कि भ्रष्टाचार की राजनीति चाहिए। बंद करो अपना, निकल जाओ यहां से। आजकल हमारे देश में मत कर ऐसी गंदी बातें, तेरी गिरी हुई बातें सुनकर मेरा कलेजा फट गया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर तुम होश में नहीं हो, वोट बटोरने का कल्चर आपके विचार भी गलत है। करने की वर्षक कोशिश हो रही है, बस दो चार दिनों की बात है भटकने। ये रेवड़ी कल्चर साबित करके दिखाऊंगा कि आप गलत हैं। देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अरे कितना बदल गया है रेडी, इस रेवड़ी कल्चर से पिला कर रास्ते का बेवड़ा बना दिया। देश के लोगों को आग में तपा हुआ सोना हो, लेकिन तुम तो पीतल भी नहीं निकले। और खास करके मेरे युवाओं को उतनी पत्थर का सामना करो तो जाने। बहुत सावधान रहने